अभी राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय में है अभी हम हैं, और यहाँ पर दूसरे राउंड की काउंसलिंग जो है ऑनलाइन की जा रही है। पहले राउंड की काउंसलिंग जो है कंप्लीट कर ली गई है। पहले राउंड की काउंसलिंग में जिन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ था उन्होंने फीस जमा करवाई है, और जिन स्टूडेंट ने फीस जमा नहीं करवाई उनका मतलब है कि वो इंटरेस्टेड नहीं थे, जिसकी वजह से जितनी भी सीट खाली थी उन पर जो है अब द्वितीय राउंड की काउंसलिंग की जा रही है। कुछ सीटें हैं, अधिकतर सीटों की बात करें तो वो पहले राउंड की काउंसलिंग में पूरी हो गई हैं, और अब नए स्टूडेंट्स को मौका दिया जाए जिसके लिए दूसरे राउंड की काउंसलिंग जो है अब की जा रही है। अब आज जो है लिस्ट जारी कर दी जाएगी, उसके बाद स्टूडेंट्स को है दोबारा से पेमेंट करना है, और जो स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा उनके पास एक मैसेज आएगा, उसके बाद में स्टूडेंट्स को जो है फीस पेमेंट करना है, और पूरी प्रोसेस जो है उसके बाद होगी, और उसके बाद जो है कॉलेज का अलॉटमेंट होगा। आप विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जो है दूसरे राउंड की काउंसलिंग में जिन भी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है उनको आप देख सकते हैं। तो अभी हम चेयरमैन सेंट्रल एडमिशन कमेटी के DC सर से बात करने वाले हैं, और जो है काउंसलिंग की प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है। नमस्कार सर। सर, काउंसलिंग का दूसरा राउंड है, और इसमें किस तरीके की प्रोसेस है? Those who were offered in the first instance, the rest overs, the waiting list are being considered, and this time we are considering all those who did not get anywhere the admission, and the remaining list are being considered, and the same process is being followed which was in the first admission process, first counseling. Sir, कितने round और बाकी हैं, क्योंकि आज दूसरा round है? I expect that we should not have more rounds. This round and at the max another one, and that we will be completing at the departmental level only, because we have almost completed 45% of admissions. So perhaps next round we will be completing around 80-85% admissions. Okay. Sir, जो open counselling पहले होती थी, क्या इस बार भी open counselling का कुछ? I don't expect कि we will require any open counselling, because we have enough number of applicants. And enough number of applicants registered to our courses, so possibly in this round we should get good number of students. So open round, I don't feel it is possible will be there. If at all it is required in some of the subject, we'll be doing it later. Okay, sir, admission ke process ki baat kare to sir, kitni seaten hain, kitne pratishat seaten hain jo full ho chuki hain, aur kitni percent seaten hain wo overall lagbhag kitne hain jo abhi bhi bachi hui hain? 45% के करीब सीट पूरी हो गई तकरीबन। कुछ सब्जेक्ट्स में 50% हैं, कुछ में थोड़ा कम है, 40 हैं, तो ऑन द एवरेज अराउंड 45% वी हैव कंप्लीटेड। अब रिमेनिंग जो 55% सीट्स हैं उनमें देयर आर नंबर ऑफ सीट्स बिलोंगिंग टू कैटेगरी क्लासेस वेयर वी डू नॉट हैव समटाइम्स एप्लीकेशंस आल्सो, सो दे आर नॉट टू बी फिल्ड पॉसिबली बिकॉज वी डू नॉट हैव एप्लीकेशंस। अदरवाइज अराउंड 50% आर रिमेनिंग एंड 50% ऑलमोस्ट वी हैव कंप्लीटेड। सर, पहले राउंड की काउंसलिंग हुई और जिसमें स्टूडेंट्स को कहा गया था कि उन्हें फीस भरनी है, उनमें कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जो फीस नहीं जमा करा पाए और वो अभी जमा कराना चाहते हैं, तो उनके लिए कोई प्रोसेस है क्या? नहीं, एक्चुअली हमारा बहुत पहले से ही हमने इंस्ट्रक्शंस डाले हुए हैं कि दोज हु केम इन टू द मेरिट एंड डिड नॉट अपियर फॉर द डिड नॉट डिपॉजिटेड देयर फी, द चांस विल गो टू द नेक्स्ट कैंडिडेट। उनके लिए कोई प्रोविज़न नहीं है इन केस, जब जो आप अभी बात बता रहे थे एक ओपन राउंड कोई होता है बाई चांस किसी सब्जेक्ट में, देन वी कैन आस्क ऑल दोज हु लेफ्ट ओवर्स कैन कम फॉर ए ओपन राउंड, बट इट इज़ नॉट आई थिंक नॉट देयर। एंड इंस्ट्रक्शंस में क्लियर है कि जो मेरिट लिस्ट में जितने टाइम का हमने एडमिशन प्रोसेस दिया हुआ है उसमें उतनी फीस देर तक अगर नहीं जमा कराता है तो उसका चांस चला गया। वी हैव नो प्रोसेस ऑफ गोइंग बैक। हाँ, इतना ज़रूर है कि अपवर्ड स्लाइडिंग इज ऑलवेज देयर। से फॉर एग्जाम्पल समबडी गॉट सेकेंड प्रेफरेंस फुलफिल्ड एंड ही डिड नॉट डिपॉजिटेड द फी एंड ही गेट्स एडमिशन तो फॉर द फर्स्ट प्रेफरेंस, देन उसको हम कॉल करेंगे। लेकिन अगर किसी को फर्स्ट प्रेफरेंस में लाया और उसने फीस नहीं जमा कराई है तो सेकंड थर्ड में कहीं आ रहा है किसी सब्जेक्ट में, तो हम उसको चांस नहीं देंगे। सर, जो है एडमिशन प्रोसेस पूरे होने के बाद जिन स्टूडेंट को सिलेक्शन होता है
तो क्या वो अभी ऑनलाइन क्लासेज ही लेंगे या फिर कुछ ऑफलाइन का भी? अभी तो ऑनलाइन ही लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमारे जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं उनको ही हम बुलाने की प्रयास में हैं, क्योंकि आपको पता है कि यूजीसी के जो मैंडेट है उसमें एक रूम में एक ही स्टूडेंट को रख सकते हैं, तो नंबर ऑफ हॉस्टल्स अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंडेंट होगा सारा का सारा। तो पहले हम हमारे पुराने स्टूडेंट जो 2020 के हैं उनको बुलाएंगे, इनका तो अभी ऑनलाइन ही होगा, एंड पॉसिबली वी आर स्टार्टिंग क्लासेस फ्रॉम 25th ऑफ नवंबर इटसेल्फ, तो अभी तो ऑनलाइन शुरू करेंगे। तो विश्वविद्यालय में, विश्वविद्यालय के सभागार में जो है द्वितीय राउंड की काउंसलिंग चल रही है, आप देख लीजिए। और यहाँ पर लाइक देखें तो MSc कंप्यूटर साइंस बिग डेटा एनालिसिस की जो है यहाँ पर ओपन जो है काउंसलिंग चल रही है। और भी जान लेते हैं काउंसलिंग के बारे में थोड़ा सा कि क्या चीज़ें हैं काउंसलिंग की जो अभी हमसे बच गई हैं। अंबेडकर सर से बात करेंगे हम, तो अंबेडकर सर उधर हैं MCOM MBA बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की, यहाँ पर काउंसलिंग हो रही है। तो अंबेडकर सर से जान लेते थोड़ा, सर सेकंड राउंड की काउंसलिंग है आज, तो किस तरीके से जो है काउंसलिंग की जा रही है? फर्स्ट राउंड में अराउंड 50% का स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया, अब इंटीग्रेटेड का यह सेकंड राउंड है। अभी वो पूरा जो जो डिपार्टमेंट्स इंटीग्रेटेड कोर्सेज का ऑफर कर रहे हैं ये सब इसी ऑडिटोरियम में बैठे आपस में वार्तालाप करके सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में स्टूडेंट का प्रेफरेंस लेते हुए आगे बढ़ रहा है। बाई इवनिंग सेकंड राउंड ऑफ एडमिशन लिस्ट विल बी फाइनल एंड होपफुली विल बी गेटिंग लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग। सर सेकंड राउंड खत्म होने के बाद आपको क्या लगता है कि कोई एक आध राउंड और होगा या फिर कोई ऑनलाइन जो जिसकी बात करें कि जो है यहाँ पर काउंसलिंग होती है कि जो ओपन काउंसलिंग होती है उसके भी चांसेस हैं क्या? अभी तक अभी ये इंटीग्रेटेड होने के बाद कल होंगे वो मास्टर्स डिग्री स्टूडेंट्स का, एंड वी विल लुक एट वी विल रिव्यू द एंटायर प्रोसेस वन स्टूडेंट सबमिट द फी लेटर ऑन वी विल टेक एप्रोप्रिएट डिसीजन। सर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का कहना है कि मतलब वो चाहते हैं कि अभी जो न्यू एडमिशन है वो उनका ऑनलाइन चल रहा है और इससे पहले वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी अभी ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, तो सर किस तरीके से यूनिवर्सिटी ने क्या कोई खाका तैयार किया है कि उन स्टूडेंट्स को जो है ऑफलाइन पढ़ाई करवाने के लिए? ऑफलाइन पढ़ाई का चल रहा है, मे बी सोनर स्टूडेंट्स विल कम टू नो, इट मे बी ए पॉजिटिव वन, मे बी स्टूडेंट्स मे कम इन लार्ज नंबर टू द यूनिवर्सिटी। सर दिसंबर में कॉन्वोकेशन की बात चल रही है, अभी अफवाहें हैं तो इस पर क्या कहेंगे आप? दिसंबर का कॉन्वोकेशन अभी तक फाइनल नहीं किया, दो वी हैव बीन रिक्वेस्टिंग द चांसलर एंड अदर डिग्नेटरीज, वो वंस द डेट इज डिसाइडेड वी विल बी गिविंग द इंफॉर्मेशन। तो विश्वविद्यालय के सभागार से आप अम्बेडकर सर को सुन रहे थे और लगातार है द्वितीय राउंड की ऑनलाइन काउंसलिंग जारी है और देख लीजिए आप किस तरीके से जो है काउंसलिंग हो रही है। कोरोना से पहले यहाँ पर स्टूडेंट्स को बुलाकर जो है डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते थे, उनकी काउंसलिंग होती थी, बट अभी जो है पूरा प्रोसेस वो बदल चुका है और धीरे धीरे जो है अब ऑनलाइन जो है काउंसलिंग की जा रही है। किसी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर से जान लेते हैं कि किस तरीके का है उनका जो है इकोनॉमिक्स वाली मैम से जान लेते हैं कि किस तरीके से ऑनलाइन काउंसलिंग उनकी कितनी सीटें भरी हुई है। मैम सेकंड राउंड की ऑनलाइन काउंसलिंग अभी चल रही है, बिल्कुल इकोनॉमिक्स में किस तरीके का रुझान है जो पहले जो है कितनी सीटें आपकी फुल हो चुकी हैं? एक्चुअली आज तो इंटीग्रेटेड MSc इकोनॉमिक्स के हो रहे हैं और उसमें हमारी 15 सीट्स ऑलरेडी फिल्ड है, जो कुछ सीट्स बची हुई हैं उसको हम फिल कर रहे हैं। टोटल कितनी सीटें हैं? टोटल इसमें 35 सीट्स हैं। तो ओवरऑल बात करें तो 40-45% जो है सीटें भर चुकी हैं। बिल्कुल। तो मैम आपको क्या लगता है कि तृतीय राउंड की काउंसलिंग भी होगी? पॉसिबल है, क्योंकि थर्ड राउंड के बच्चे भी कॉल्स कर रहे हैं हमें, सेकेंड राउंड के लिए भी बच्चे वेट कर रहे हैं, तो ये भी पॉसिबल है
कि सेकेंड राउंड में ही ख़त्म हो जाए मामला, लेकिन हमें थर्ड राउंड के भी बच्चे बहुत वेट कर रहे हैं, तो पॉसिबल है कि कुछ भी हो सकता है। ओके, तो थर्ड राउंड की भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। लिंग्विस्टिक डिपार्टमेंट की मैम है, मैम किस तरीके से जो है सेकेंड राउंड आपका चल रहा है? सेकेंड राउंड बढ़िया चल रहा है, जिनका फर्स्ट राउंड में एडमिशन नहीं हुआ था या जिन स्टूडेंट्स को ऑफ़र किया था और नहीं मिला था, तो अब हम उन स्टूडेंट्स की लिस्ट देख रहे हैं, मेरिट वाइज फिर से बना रहे हैं, और फिर हम फिर से ऑफर करेंगे स्टूडेंट्स को, एंड वी होप कि इस राउंड में फिनिश हो जाए, नहीं हुआ तो थर्ड में जाएंगे। इवन स्टूडेंट्स हु हैड ऑफर्ड लिंग्विस्टिक्स इन द एज द फर्स्ट प्रेफरेंस, सो मेनी ऑफ देम आर कमिंग अप फॉर द सेकंड कितने प्रतिशत सीटें जो है लिंग्विस्टिक की भर चुकी है? कितनी? So now it's 11 seats have been filled roughly 40%. Okay, 40%. तो जितने भी विभाग हैं वहाँ पर करीब करीब 45-50% सीटें हैं वो फुल हो चुकी हैं, और आप सीधा लाइव रिपोर्ट देख रहे थे राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम से, और ऑनलाइन काउंसलिंग की सारी रिपोर्ट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो हम आपसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि थर्ड राउंड की काउंसलिंग के बारे में भी हम आपको पूरा बताने वाले हैं, और कब होगी, कैसे होगी, और ये हम पूरा की पूरा जो है आपको लाइव दिखाने वाले हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, लेते हैं अलविदा। थैंक यू सो मच।